डिलीवरी बॉय खाना ही तो देने आता है, वो कोई इंसान थोड़ी ना है, उसका कोई दिल थोड़ी ना होता है। अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। एक बार एक डिलीवरी बॉय बारिश के अंदर सड़क पे खड़ा होकर रो रहा था। पता क्यों? क्योंकि वो खाना देने में बारिश की वजह से लेट हो गया। कस्टमर ने खाना ही नहीं लिया और ना ही पैसे दिए। उस खाने का बिल जानते कितना था? 3800 रुपए, जो कि अब उस डिलीवरी बॉय की सैलरी से कटने वाला था, जिसकी खुद की महीने की सैलरी 10,000 रुपए। अब आप सोचिएगा कि वो डिलीवरी बॉय क्यों रो रहा था। गाइस, भूख लगी आपको, बारिश में खाना ऑर्डर किया आपने और पेट पे लात मार दी उस बेचारे के, ये सही नहीं है। गाइस, इस वीडियो को इतना शेयर करो ना कि अगली बार कोई ऐसा करने की हरकत ना करे। दिल बड़ा रखो, क्योंकि यही लोग हैं जो आपकी प्यास और भूख मिटाते हैं। चलिए गाइस, एक जिंदगी की पहेली पूछता हूँ। मान लीजिए कि आप कार से जा रहे हैं और भयंकर तूफान आ रहा है, और आप अचानक से बस स्टैंड के सामने से निकलते हैं और वहां पर 3 लोग खड़े हैं। पहली एक बूढ़ी औरत जिसे तुरंत अस्पताल ले जाने की जरूरत है, दूसरा वो आदमी जिसने कभी जिंदगी में आपकी जान बचाई थी, और तीसरा वो व्यक्ति जिसे आप जीवन साथी बनाना चाहते हैं। अब अगर आपकी कार में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह हो तो आप किसे बिठाएंगे, ये सवाल है। आराम से वीडियो को पॉज करिए और फिर जवाब दीजिए। चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, बहुत सिंपल है। आप उस व्यक्ति को कहेंगे जिसने आपकी जिंदगी बचाई थी कि वो कार चलाए और उस बूढ़ी औरत को हॉस्पिटल लेके जाए, और आप अपने जीवन साथी के साथ बस स्टैंड पर वेट करेंगे उसी व्यक्ति का, ताकि वो वापस आए और आपको लेकर जाए। गाइज, अगर आप लोग डिप्रेशन यानी कि अवसाद के शिकार हैं और अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इससे बाहर निकलने के 2 तरीके बताता हूँ। पहला तरीका है जिमिंग या फिर एक्सरसाइज। अगर आप लोग जिमिंग या एक्सरसाइज करते हैं और दिन में कम से कम 1.5 घंटा ये काम करते हैं, तो आपको ये चीज डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। इससे आप फिजिकली तो फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं। दूसरा तरीका है पेट्स यानी कि पालतू जानवरों के साथ समय बिताना। अगर आप लोगों के पास कोई पालतू जानवर जैसे कि कुत्ता या फिर कोई और जानवर है, और अगर आप उनके साथ दिन में कुछ समय बिताते हैं, तो ये चीज भी आपको डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करती है। गाइस, क्या ये फैक्ट इससे पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हार्ड वर्क की बदौलत अपने आलोचकों को जवाब कैसे दिया जाता है, ये आप टीम इंडिया के केएल राहुल से सीख सकते हैं। कुछ दिनों पहले तक लोग उसके टीम में होने पर सवाल या निशान लगाया करते थे, कहा करते थे कि वो कोहली का दोस्त है, सिर्फ इस वजह से टीम में बना हुआ है। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई हालिया T20 सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस के बदौलत उसने साबित कर दिया कि वो अपने दम पर टीम में है। उसने ना सिर्फ विकेट कीपिंग की, जरूरत पड़ने पर उसने कप्तानी भी की, और सबसे ज्यादा सीरीज में रन बनाकर मैन ऑफ द सीरीज भी बना। और गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि आलोचक चाहे कुछ भी कहते हो, अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। कोलकाता का एक पिता अपने 3 साल के बेटे को लेकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच का मैच देख रहा था। वो 3 साल का छोटा सा लड़का, जिसे ढंग से बोलना भी नहीं आ रहा था, उस मैच को देखने के बाद उसे क्रिकेट का चस्का लग गया। ये देखकर पिता ने उसे घर पे खिलाना शुरू किया और एक दिन उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। देखते ही देखते वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गई और एक दिन वो इंग्लैंड के खिलाड़ी केविन पीटरसन तक पहुंच गई। तब केविन पीटरसन ने विराट कोहली को टैग करते हुए पूछा कि क्या आप इसे चांस देंगे। विराट कोहली ने वीडियो देखने के बाद ये पूछा कि ये छोटा सा सेंसेशन कहां से बिलोंग करता है। गाइस, उस बच्चे का नाम है शेख शाहिद, जिसकी वीडियो आप ऊपर देख रहे हैं। उस छोटे से उस्ताद के लिए 1 लाइक तो बनता है। आप वीडियो देख के क्या सोच रहे हो, चैट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। जब वो स्कूल में था तो स्कूल के कुछ बड़े बच्चे उसके साथ मारपीट किया करते थे, जिससे बचने के लिए उसने बॉक्सिंग जिम ज्वाइन किया और अपने अंदर की आग और जुनून का इस्तेमाल उसने मिक्स्ड मार्शल आर्ट को सीखने में किया। घर में पैसों की तंगी थी, इसके लिए उसने प्लंबर का काम ज्वाइन किया, लेकिन प्लंबर के काम में उसका मन नहीं लगता था। जब उसने उसे छोड़ने की ठानी तो घर वालों से उसकी बहस हो गई, जिसके बाद उसने घर वालों को कहा कि 25 की उम्र में मैं आपको करोड़पति बन के दिखाऊंगा। फिर उसने अपनी फाइटिंग स्किल्स पे काम शुरू किया और उसके बाद 2007 में उसने अपनी पहली UFC फाइट लड़ी और उसमें धमाकेदार जीत दर्ज की, और उसके बाद उसने पीछे मुड़के कभी नहीं देखा और आज वो पूरे विश्व में सबसे महंगा UFC फाइटर है। Yes guys, I'm talking about the notorious कोनर मैग्रेगर। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि अगर आपके अंदर किसी चीज को लेकर जुनून हो तो आप जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो।